हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। इस प्रैक्टिस सेट में क्या दिया है दोस्तों, चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में बोला है कि द नंबर स्क्वायर रूट किसका, स्क्वायर रूट ऑफ टू इज शोन ऑन ए नंबर लाइन, स्टेप्स आर गिवन टू सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ऑन द नंबर लाइन, स्क्वायर रूट ऑफ टू, फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली एंड कंप्लीट एक्टिविटी। दोस्तों इसमें हमें क्या करना है कि जो स्क्वायर रूट टू है उसको हमें शो करना है नंबर लाइन पे। तो दोस्तों उसको कैसे शो करेंगे चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसको शो करने के लिए मैं आपको जा रहा हूँ एक चीज बताने। तो दोस्तों इसको आप ध्यान से देखना। तो देखिए दोस्तों ये होता है हमारा नंबर लाइन, क्या होता है ये होता है हमारा नंबर लाइन। तो उस समय हम क्या करते थे, ऐसे ऐसे नंबर होते थे, हम इस नंबर पर करते थे, इस तरह के लाइन बनाते थे, इस लाइन पर हम फ्रैक्शन नंबर लिखते थे। लेकिन अब हमें लिखना है स्क्वायर रूट टू का। तो उसको करने के लिए आपको इस तरह से बनाना होगा। तो इस तरह से कैसे बनाएंगे चलिए मैं आपको जा रहा हूँ बताने। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों स्क्वायर रूट टू लाइन पर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें क्या करना है हमें कि हमें स्क्वायर रूट टू का निकालना है। स्क्वायर रूट टू निकाल के उसका यूज करके हमें स्क्वायर रूट किसका निकालना है, थ्री का निकालना है। किसका निकालना है, थ्री का निकालना है। तो इसके लिए हम पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मैंने लाइन निकाल लिया है। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर क्या करना है, यहाँ 1 सेंटीमीटर पर हम नंबर्स लिखेंगे। क्या करेंगे, नंबर्स लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ सेंटर में 0 ले लेता हूँ, फिर यहाँ से मैं 1 सेंटीमीटर काउंट करता हूँ। तो यहाँ से मेरा आता है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। फिर दोस्तों जब आप 1 सेंटीमीटर लेंगे तो इसको वजह से आपका क्या होगा कि जो ये आपका डिजाइन है वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे 2 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर लेने के लिए मैं इस पे धरूंगा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक 1 था, यहाँ से मैं पूरा यहाँ तक 2 ले लेता हूँ। यहाँ से मुझे यहाँ तक 2 मिल जाएगा, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा 1। फिर यहाँ से मैं 2 सेंटीमीटर लूंगा, फिर यहाँ से मैं 2 सेंटीमीटर लेने के लिए ये 1 हुआ, ये 2 हो गया। इसको सभी को लिखना है, इन सभी को लिखना है दोस्तों। अब यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर लेंगे। डिस्टेंस जो है वो लिमिट में रहना चाहिए, सभी का सेम रहना चाहिए। और ये यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ -2, यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से भी दे सकते हैं 2 सेंटीमीटर, देखते हैं। देखिए यहाँ पर मिल गया, अब हम इसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं एक पाइथागोरस थ्योरम बताऊंगा। तो दोस्तों स्क्वायर रूट टू का कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों हमने पाइथागोरस थ्योरम सीखा है, यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, पाइथागोरस थ्योरम में हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ये ट्रिंगल रहता था, ये हाइट रहता था, और यहाँ पर बेस, ये हाइपोटेन्यूस रहता था, ये हाइट रहता था, ये बेस होता था।
तो इसलिए हाइट का स्क्वायर लेते थे, हाइट मतलब कि ये जो हाइट है इसका स्क्वायर लेते थे, फिर यहाँ पर बेस रहता तो उसका लेते थे, इसको बेस को मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ, बी का स्क्वायर लेते थे, तब इसके वजह से हमें क्या मिलता था, उसका हाइपोटेन्यूस का मिल जाता था। तो इसी के फंडा है दोस्तों, तो हाइपोटेन्यूस हमारा कितना आना चाहिए, स्क्वायर रूट टू आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, हाइट को मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, वन ले लूंगा, हाइट को क्या करूंगा वन ले लूंगा, और ब्रिथ को भी क्या ले लूंगा, बेस को यानी कि सॉरी बेस को क्या लूंगा वन ले लूंगा। तो मेरा क्या ऐसा हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हाइट मैंने कितना लिया, वन लिया, तो इसलिए वन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ब्रिथ भी बेस भी मैंने क्या लिया है, वन लिया, तो इसलिए वन का स्क्वायर होगा, दोनों का वन वन है, इसको सॉल्व करेगा तो वन का स्क्वायर कितना आने वाला है, स्क्वायर निकाले के हम क्या करते हैं, दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा मिलेगा वन वन जब वन हो जाएगा, इसका भी संडे से मैं वन वन जब वन आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टू। तो हाइपोटेन्यूस में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस में स्क्वायर रहता है, क्या रहता है, हाइपोटेन्यूस में स्क्वायर रहता है, इसलिए इसको हटाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में ले लेते हैं, क्या करते हैं, इसको इसका इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो इस तरह से बन जाता है। तो हाइपोटेन्यूस कितना आता है, स्क्वायर रूट टू आ जाता है, क्या रहता है, स्क्वायर रूट टू हो जाता है। तो इसी का फंडा है दोस्तों, इसी तरह से करना है। तो मैं क्या लूंगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का क्या करूंगा दोस्तों, इसको एज्यूम करना है कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ऊपर भी उतना ही रहना है, तो नीचे यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ 2 सेंटीमीटर के लिए बड़ा लिया हूँ, तो यहाँ पर भी क्या रहना चाहिए 2 सेंटीमीटर, दोनों का सेम रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, दोनों का सेम रहना चाहिए। आपको यहाँ पर लिखना नहीं है कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, आपको एज्यूम करना है। तो यहाँ पर इस तरह का ले लेंगे, इसको आप बढ़ा के यहाँ पे पॉइंट कर देना, फिर एक लाइन है ना, तो इसको और ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 1 सेंटीमीटर यहाँ का भी ले लिया, 1 सेंटीमीटर यहाँ का भी ले लिया दोस्तों, आपको यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, लेकिन आपको देखना है कि ये दोनों बराबर है, तो यहाँ इसका भी बराबर है, तो 1 1 का हमें मिल जाएगा, स्क्वायर रूट 2 मिल जाएगा। तो अब क्या करूंगा, मैं इसको इस तरह से मिला दूंगा दोस्तों, अब ध्यान रखो तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से करना है। तो इसको करने के बाद हम ये देंगे, राउंडर लेंगे, अब इसको क्या करना है, इस पॉइंट पर धर के इस तरह से कर देना है, जब इस तरह से करोगे तब तो यहाँ पर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपको स्क्वायर रूट टू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट टू मिल जाएगा, लेकिन हमें निकालना है 3 स्क्वायर रूट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं यहाँ पर एक लाइन स्ट्रेट लूंगा, स्ट्रेट लाइन लेना है पैरेलल में, तो इसको लेकर मैं 90 डिग्री का विस्तार कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं ले लिया इसको, दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, फिर इसको ये लाइन बड़ी भी हो सकती है, फिर यहाँ का जो डिस्टेंस है दोनों का ये जितना था उसको भी उतना ही करना है, तो यहाँ से भी मैं 2 सेंटीमीटर का लेने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं धरूंगा 2 सेंटीमीटर मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर डॉट कर देंगे, फिर इसको हम लोग फिर से राउंडर से क्या करेंगे, एक बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर रखता हूँ इसको अच्छी तरह से, पॉइंट पर धर देंगे, क्या करेंगे धर देंगे, फिर इस पॉइंट से हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, फिर ये जो डॉट मिलेगा ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं, इसको नीचे भी कर करके लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3, ठीक है। यहाँ पर मुझे मिल गया स्क्वायर रूट 3। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लिख देंगे ए पॉइंट, यहाँ पर लिख देंगे बी पॉइंट, और इसको जो ट्रिगर बना है इसको भी कोई नाम दे देंगे सी डी ई, इस तरह से नाम दे देना है। तो इस तरह से हमारा जो है वो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3
निकलेगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक और लोगे फिर लाइन खींचोगे, फिर से प्रोटेक्ट राउंडर से इसको क्रॉस करोगे, फिर जो क्रॉस लाइन पर करोगे उस टाइम पर जो डॉट मिलेगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट फोर हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ वन वन ही पढ़ते हैं। अब इसके आगे करते हैं, अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर से रिमाइंड करके देख लीजिए, फिर से पीछे करके देख लीजिए किस तरह से किया गया है। तो दोस्तों इसके बाद देता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नंबर स्क्वायर रूट फाइव ऑन द नंबर लाइन। क्या करना है हमें, स्क्वायर रूट फाइव हमें क्या करना है, सो करना है नंबर लाइन। तो किस तरह से करेंगे, पहले एक लाइन बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं ले लिया हूं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो वन है ना वन, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर जो ये मिला था ना इसको क्या करेंगे, इसके बाद ये जीरो जो पॉइंट है इसको ये सब इस तरह से मैच कर देंगे, मैच कर देंगे, फिर हमारा मिल जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट थ्री। अब नेक्स्ट करते हैं, तो ये सेकंड था सो द नंबर स्क्वायर रूट फाइव ऑन द नंबर लाइन। क्या करना है हमें, स्क्वायर रूट फाइव सो करना है नंबर लाइन पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले एक लाइन बना देंगे, उस पर कुछ नंबर दे देंगे। देखिए मैं 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के लिखा हूं, तो इस तरह आपको भी करना है। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, क्या करूंगा, स्ट्रेट लाइन पहले एक ड्रॉ करना है, पैरेलल रहना चाहिए, परपेंडिकुलर रहना चाहिए, इस तरह से परपेंडिकुलर सीधा लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, ये जितना यहाँ से जीरो से लेकर वन का जो डिस्टेंस था उसी के बराबर हमें लेना है, डॉट करना है, फिर उससे हम राउंडर से कट करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के लिए मैं इन दोनों पर रख दूंगा, देखिए इस तरह से रख देंगे, फिर इन दोनों का इक्वल लेके फिर इस पर क्या करते हैं कट कर देंगे, फिर ये जो डॉट मिलेगा ना, फिर जब पूरा एक्यूरेट रहता है जब आप राउंडर से कटते हो, तो फिर यहाँ से क्या करना है, मैच कर देना है। क्या करना है, मैच कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको रख के इसको रख देंगे इस पॉइंट पे, देखिए इस तरह से रख के, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको इस तरह से ला देंगे इस लाइन पर। जब भी ला देंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस होता हुआ दिखेगा, और जब आपको क्रॉस मिल जाएगा तो इस पॉइंट पर नाम दे देंगे, डी दे देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे ये है स्क्वायर रूट टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम थे, बेस और हाइट सेम था, तो इसलिए हमें मिला स्क्वायर रूट टू। अब यहाँ से क्या होगा, एक एक बढ़ेगा, एक एक क्या होगा, बढ़ेगा, तो करते आगे बढ़ाएंगे तभी हमें आगे मिलने वाला है स्क्वायर रूट फाइव। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से हम एक सीधा ले लेंगे, ये जो पॉइंट मिला है यहाँ से सीधा ले लेंगे, इसको स्ट्रेट करेंगे, फिर इसको अच्छी तरह से मिला देंगे, इस पॉइंट पर रहना चाहिए, देखिए इस तरह से। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम करेंगे इस पर धरेंगे, फिर यहाँ का जो डिस्टेंस था 2 सेंटीमीटर दोनों का बराबर रहना चाहिए, तो अब इस पर कट करेंगे, दोनों का बराबर रहना चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, क्रॉस अप करना है, तो इसको इस तरह से बड़ा करेंगे, दोनों का डिस्टेंस दोस्तों सेम रहना चाहिए, एक मिनट। तो देखिए इस तरह से डॉट लेके दोनों का सेम पर ही रहना चाहिए, दोनों का 2-2 सेंटीमीटर रहना चाहिए, इस तरह से आप इसके से ले सकते हैं, इस तरह से पूरा एक्यूरेट मिल जाएगा और राउंडर से भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसको अब कट करेंगे, क्या करेंगे, कट करेंगे, कट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर लेंगे, इस पर धरेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ पर आकर कट कर देंगे लाइन पे, जब कट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डॉट मिलेगा, फिर इस पॉइंट पर दे देंगे नाम डी, और यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर रूट टू थ्री, थ्री मिल जाएगा,
अब इसके बाद आगे करेंगे, आगे क्या करेंगे, आगे भी इस तरह से लाइन लेंगे, स्ट्रेट रहना चाहिए। तो इसको यहाँ पर घर के यहाँ से सीधा लाइन ले लेंगे, दोस्तों एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको, दोस्तों आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर कट होते हैं इसी के सामने स्ट्रेट लेना है, क्या लेना है, स्ट्रेट लेना है लाइन, कि ये दोनों जुड़ा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से लेना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का लेके कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ढल लिया हूँ, अब इसके बाद यहाँ पर डॉट करेंगे, ये दोनों का सेम रहना चाहिए। अब मैं राउंडर का इस्तेमाल करूंगा, फिर इसको मैं कट करूंगा, तो इसके बाद हमें मिल जाएगा, इसके कितना मिल जाएगा, स्क्वायर रूट 5 मिल जाएगा, सॉरी स्क्वायर रूट एक ही आगे जाने वाला है, क्या जाने वाला है, एक ही आगे जाने वाला है, तो इसलिए हमें मिलेगा स्क्वायर रूट 4 मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर कट करेंगे, अब यहाँ पर कट कर देंगे, और इन सभी लाइनों क्या करना है, जोड़ते ही जाना है, ये भूला नहीं है कि ये जीरो से जो है लाइन इसको मिलाते जाना है। और देखिए यहाँ पर मिला था, तो इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तब भी हमारा कहलाएगा। देखिए इस तरह से करना है। अब जब यहाँ पर जो कट हुआ रहेगा वो हमारा हो जाएगा √4, क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट एक और लेंगे, इसको स्ट्रेट रखेंगे, फिर यहां पर जब आप कट करोगे तो इसके बाद आपको मिल जाएगा √5। यहां से 2 सेंटीमीटर ले लेंगे, यहाँ पर डॉट करेंगे, फिर ये जो पॉइंट डॉट मिलेगा फिर इसको कट कर देंगे राउंडर से, फिर इसको यहाँ पर धरना है, फिर यहाँ इसका करना है कट कर देना है लाइन के। फिर जब आप यहाँ पर कट करोगे यहाँ पर जो मिलेगा आपको मिल जाएगा यहाँ पर √5। देखिए इस तरह से करना है। दोस्तों मैं आपको जा रहा हूँ एक शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसे आप शॉर्टकट में ला सकते हो। तो किस तरह से करना है, पहले एक लाइन बनाना है। तो दोस्तों देखिए हमने एक और चीज सीखा था पाइथागोरस थ्योरम में, तो ऐसे हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस ब्रीथ, देखिए सॉरी बेस स्क्वायर, इस तरह से रहता है। तो हम स्क्वायर रूट 5 कैसे लेंगे, अगर मैं हाइट को 2 कर देता हूँ, हाइट को क्या करता हूँ 2 कर देता हूँ, और मैं बेस को क्या करता हूँ 1 कर देता हूँ, तो आ जाएगा, अब इसमें क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जब आप करोगे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 करोगे तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो ये जो है पाइथागोरस स्क्वायर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 5। तो इसी तरह करना है, यहाँ पर क्या करना है, हमें 2 गुना कर देना है और बेस क्या करना है 1 रखना है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ से जो 1 से लेके 0 से लेके 1 तक का जो डिस्टेंस था उसका डबल करना है, क्या करना है, डबल करना है, यानी कि हम क्या करेंगे 2 का 4 सेंटीमीटर कर देंगे। मैं सभी को 1 2 सेंटीमीटर किया हो तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका, यहाँ पर 4 से 1 2 3 ये तो 3 हो जाएगा, यहाँ से मैं करूंगा 1 2 3 4, यहाँ से आपके पास स्केल होगा तो उससे आप 4 सेंटीमीटर लेना है, फिर यहाँ पर डॉट कर देना है, इसको आप आगे तक स्ट्रेट भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये डॉट ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डॉट मिला है इसको आप क्या करना है, ज्वाइन कर देना है इस लाइन से, 0 से क्या करना है अटैच कर देना है, फिर नेक्स्ट क्या करना है, राउंडर लेके फिर इस पॉइंट पर कट करना है, फिर यहाँ से आपको क्या होगा डायरेक्ट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा स्क्वायर रूट 5, क्या मिल जाएगा स्क्वायर रूट 5, और यहाँ पर दे देना है इसका नाम एफ, क्या दे देना है एफ नाम दे देना है। देखिए कितना इजी था इसको करना, आप इसको भी नाम दे सकते हो,
अब यहाँ पर जो डॉट मिला है ये हो जाएगा इसका फाइव, और इसको नाम दे सकते हो जैसे कि ए बी सी, इस तरह से नाम दे देना है इसे पॉप करोगे। ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट फाइव। अब नेक्स्ट करते हैं स्क्वायर रूट सेवन है, तो देखिए दोस्तों ये है लास्ट। इसमें क्या करना है, पहले तो हम एक रफली बनाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एज अपोटेन स्क्वायर हाइट स्क्वायर रहता था प्लस बेस स्क्वायर रहता था, इसका मतलब हाइट है। तो हम स्क्वायर रूट सेवन कैसे लेंगे, अगर मैं टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर करता हूँ तो मुझे कितना मिलने वाला है, टू टू जो फोर प्लस वन स्क्वायर वन, और कितना मिलने वाला है, स्क्वायर रूट फाइव मिलने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, वन वन बढ़ाऊंगा। तो देखिए किस तरह से वन वन बढ़ा के हम इजिली पा सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। दोस्तों देखिए मैं ले लिया हूं, अब यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि आपको लाइन जो है वन से लेना है, क्या करना है, वन पर ही लाइन ड्रॉ करना है। यहां से आपको जितना चाहिए उतना ले लीजिए, फिर यहां से एक स्ट्रेट लाइन लेना है। दोस्तों यहां पर एक चीज रहेगा, जो हमारा ये यहाँ का जो डिस्टेंस है टू सेंटीमीटर, उसका क्या दुगना रहेगा, यानी कि फोर सेंटीमीटर। तो यहां से मैं फोर सेंटीमीटर लूंगा, वन टू थ्री फोर यहां पर आ रहे हैं। फिर ये जो डॉट है इसको जीरो पे आ रहा है, ज्वाइन करना है, ध्यान रखनी है जीरो पर ही ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर जीरो पर ज्वाइन कर देंगे, फिर उसके बाद राउंडर लेंगे, फिर देखिए इस तरह से धर लेना है, फिर क्या करेंगे लाइन पर क्रॉस कर देंगे, इस तरह से लाइन पर क्रॉस कर देना है। फिर ये जो पॉइंट मिलेगा ये रहेगा आपका स्क्वायर रूट फाइव रहेगा। कैसे, ये देखिए यहाँ का हमने डबल लिया था, यानी कि टू टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर कितना आएगा, स्क्वायर रूट फाइव आएगा। अब इसके आगे हम जब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए किस तरह से करना है, ये जो रहेगा ये जहां पर कट हो उधर से एक लाइन लेना है, जहां पर डॉट मिला है यहां से एक लाइन लेंगे, इसको ये बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। देखिए जिस जिस जगह पॉइंट मिला उसी जगह से हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन लेना है। फिर यहां से क्या करना है, फाइव जो हमारा फोर सेंटीमीटर है उसे लेना है, वन टू थ्री फोर, यहाँ पर फोर सेंटीमीटर आता है। फिर यहाँ से क्या करना है, एक लाइन लेना है। दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखें, जब आप एक लाइन ले लोगे फिर आपको फोर सेंटीमीटर डॉट मिल जाएगा, उसको आप मिलाना मत भूलना, क्योंकि हम ट्रिंगल बना रहे हैं, ट्रिंगल में आपको तो नहीं सभी तो आएगा, राइट एंगल ट्रिंगल हमेशा आपको तो नहीं आता है। तो ट्रिंगल जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हाइपोटेनियस नहीं बनेगा, और हाइपोटेनियस नहीं बनेगा तब तक स्क्वायर रूट जो है वो नहीं आने वाला है। इस तरह से ले लेंगे, फिर राउंडर लेंगे, देखिए इस तरह से इस डॉट पर रखना है, डॉट पर ही रखना है। पिन यहां समय यहाँ पर कट कर देना है, जब आप यहाँ पर कट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, स्क्वायर रूट सिक्स मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, स्क्वायर रूट सिक्स मिलने वाला है यहाँ पर। फिर इसके आगे करेंगे, इसके आगे हम लोग कैसे करेंगे, पहले एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर डॉट मिला है, जहाँ पर कट की लाइन उसी डॉट से हमें एक स्ट्रेट लाइन लेना है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, फोर सेंटीमीटर का ले लेंगे, यहाँ से दोगुना कर रही हूँ, यहाँ से फोर सेंटीमीटर के यहाँ पर आते हैं। फिर इस डॉट को क्या करेंगे, जीरो से अटैच कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से करना है दोस्तों। फिर उसके बाद राउंडर लेंगे। दोस्तों इसको भी करना बहुत सिंपल है, बस राउंडर ले लो, इसको अच्छी तरह से डिस्टेंस आना चाहिए। देखिए अब इसके बाद इसको अच्छी तरह से लेना है, तो दृष्टि देखिए दोस्तों हम यहाँ पर कट किए और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट सेवन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट सेवन मिल जाएगा। और यहाँ पर दे देंगे नेम, इसको दे देते हैं जी। तो हमें सेवन स्क्वायर रूट सेवन मिल गया है। और इसी तरह से दोस्तों करना है, पहले तो एक लाइन ले लेना है, वन पे स्ट्रेट लाइन ले लेना है, फिर
फोर सेंटीमीटर यहाँ का दो गुना करेंगे तो यहाँ पर टू स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर डॉट कर देके फिर यहाँ से लाइन मिला देना है, फिर राउंड लेना है, फिर इस पॉइंट पर धरना है, फिर कट कर देना है, आपको इजिली मिल जाएगा स्क्वायर जिसको आप चाहते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों करना है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कमेंट में डाउट आ रहा है, अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो रिमाइंड कर लीजिए और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।